अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम लोग बनाएंगे छोले पूरी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही इजी एंड डिलीशियस है, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, यहाँ पर मैंने छोले के चने लिए हैं एंड उसके साथ ही मैंने काले चने लिए हैं एंड उसके अंदर अभी हम पानी डाल देंगे। पानी मैंने कुछ चने से ऊपर रखा है थोड़ा। एंड यहाँ पर अभी हम डालेंगे सॉल्ट, तो सॉल्ट मैंने यहाँ पर हाफ टेबल स्पून लिया है एंड उसका सीटी लगा लेंगे हम। एंड यहाँ पर देखिए, हमने ऑनियन एंड टमाटो लिया है, उसके हम मिक्सर में डालकर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने कढ़ाई ले लिया है एंड उसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है उसके बाद में हम डालेंगे उसके अंदर 1 टेबल स्पून जीरा एंड 2 से 3 लौंग और 2 से 3 तेज पत्ता। जैसे ही ये थोड़े अच्छी तरीके से भून जाए उसके बाद में हम डालेंगे जो हमने पेस्ट पीस कर रखा था वो, एंड उसको हम अच्छी तरीके से भूनते जाएंगे फास्ट गैस पर। ओके, तो यहाँ पर अभी हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट हमने छोले के उसमें भी डाला है चने में। एंड यहाँ पर देखिए हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट एंड 1 टेबल स्पून कस्तूरी मेथी। और उसके साथ ही हम डालेंगे छोले मसाले, ये मैंने करीबन 1 टेबल स्पून डाला है। एंड इन सारे मसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसको हम भूनते जाएंगे। ओके, तो मैंने हल्दी डालना भूल गई थी, तो यहाँ पर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर एंड उसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ओके, तो देखिए मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है, जो तरी है वो अच्छी तरीके से छूट चुकी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर जो हमने छोले रखे थे, वो गल चुके हैं हमारे छोले भी अच्छी तरीके से, एंड उसको भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। एंड यहाँ पर भी हम डालेंगे पानी। सो पानी मैंने यहाँ पर कुछ 2 गिलास डाला है, आप चाहे तो आधा गिलास, मतलब आप चाहे तो थोड़ा भी डालकर उसको एक ग्रेवी टाइप भी रख सकते हो। एंड यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद में हम डालेंगे थोड़ा सा कोथमीर। सो देखिए इसे हम 10 मिनट्स कुक होने रख देंगे। एंड यहाँ पर अभी हम बना रहे हैं पूरी, तो पूरी के लिए यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया हुआ है एंड उसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट और धीरे धीरे कर कर हम सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। सो देखिए यहाँ पर मैंने एक सॉफ्ट सा डो बना लिया है एंड इसे हम रेस्ट होने के लिए 10 मिनट्स रख देंगे। सो देखिए नॉर्मली हम जैसे रोटी का पेड़ा लेते हैं, वैसे ही हम छोटा सा पेड़ा ले लेंगे एंड उसके हम अच्छी तरीके से एक रोटी बना लेंगे, छोटा सा पूरी की जितना साइज अब आपके हिसाब से रख सकते हो, आपको जितना चाहिए। यहाँ पर हमने कुछ मीडियम साइज का रखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर अभी हम तेल गरम होने रख देंगे ऑयल, एंड ऑयल हमारा जैसे ही गर्म होता है उसके बाद में हम डाल देंगे, एक एक करके हम पूरी तलेंगे। सो यहाँ पर एक टाइम पे अगर आप एक तलोगे तो ही अच्छे तरीके से वो फूलेगी, और रोटी बहुत सारे जन की नहीं फूलती है बिकॉज ऑफ कि वो आटा अच्छी तरीके से मालिश नहीं करते हैं, तो आटा भी आपको अच्छी तरीके से गूंदना चाहिए तो ही आपकी रोटी अच्छी तरीके से फूलेगी। यहाँ पर हम दूसरे साइड भी उसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे कि गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखें, क्योंकि फास्ट रखेंगे तो वो जल जाएगा और अच्छी तरीके से हमारी जो पूरी है वो फ्राई भी नहीं होगी। सो देखिए हमारी पूरी यहाँ पर एक जो है वो रेडी हो चुकी है, अभी हम इसे निकाल लेंगे। देखिए कितनी फुली फुली और कितनी अच्छी बनी है। ऐसे ही हम दूसरी भी डाल देंगे एंड उसको भी हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। सो देखिए हमने दूसरी भी रेडी कर ली है, ऐसे ही हम सारी पूरी को तल देंगे। सो देखिए रेडी हो चुका है हमारा छोले पूरी की रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो, और मुझे ज़रूर बताना आपको रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए।